हेलो एवरीवन वेलकम टू बीपीडिया आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी बीपीडिया सो एज आई प्रॉमिस की लास्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉमिस किया था कि करंट अफेयर्स के अंदर भी स्पेशली जो जनरल अवेयर वाला सेक्शन है जो अपना उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिकॉज जी जैसे हमें पता है लास्ट मैंने वीडियो में भी बताया था आपको कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी आर बी ए ग्रेड बी प्रिपरेशन का फेज़ वन फेज टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फेज वन में डायरेक्टली एक सेक्शन है अपना जीए जिसमें अस्सी क्वेश्चन आएंगे राइट right? वो मेक और ब्रेक वाला चीज है कि भाई आपका एग्जाम क्लियर भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है आपको सेम टाइम पे अगर आपका जीए ए स्ट्रॉन्ग है तो और सेम आपका फेज टू फेज टू में डायरेक्टली भले ही ना हो बट इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी राइट right? आपका जो ई सेक्शन वगैरह है राइट उसके अंदर तो मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ही पूछेंगे सो so, दोनों के अंदर बहुत ही क्रूशल पार्ट है अगर आपका जीए ए प्रिपेयर है तो कहीं ना कहीं मोर और लेस आई कैन से सिक्सटी सेवेंटी आपका काम ही डन है एक तरीके से राइट बट एग्जैक्ट साइंस नहीं इसके पीछे बट यस इनडायरेक्टली है सो so, अब अगर हम फेज वन की जब बात करते हैं स्पेशली तो फेज वन के अंदर भी जनरल अवेयरनेस वहां तो बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है आपका सीधे सीधे अस्सी नंबर के पेपर आ रहा है उसमें से तो so, उसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं तो so, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो सो करंट अफेयर्स की जब जनरल की हम बात करते हैं ना तो इसके अंदर भी आपके दो सेक्शन है सेम यहां पर भी आपका डायनामिक पार्ट आएगा एक एंड अदर इज योर स्टैटिक पार्ट या सिंपली इसको स्टैटिक जीके भी कहते हैं इट इज स्टैटिक जीके और ये डायनामिक ये है बेसिकली करंट अफेयर जो बोलते हो आप करंट अफेयर डायनामिक इन द सेंस बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग जो करंट टाइम के अकॉर्डिंग कीप ऑन चेंजिंग ये वो वाला पार्ट है जो आपको अपडेटेड करना पड़ता है अपडेट रहना पड़ता है दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग कहीं ना कहीं इसको कवर करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर इफ आपने प्रॉपर टाइम डिवोट ना किया हो तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे नोटिफिकेशन के जो बच्चे वेट करते हैं उस टाइम पे सबसे क्रूशियल काम इसी को कवर करना हो जाता है सबसे मुश्किल काम इसी को कवर करना हो जाता है बिकॉज इतने सारे फैक्ट्स एकदम कट्ठे हो जाते हैं ना तब उसको रिमाइंड रिकॉल करना उसको प्रिपेयर करना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होता ही होता है वो सो इसके बात करें और देन दिस इज स्टैटिक पार्ट स्टैटिक जीके जिसको बोला जाता है ये ऐसा पार्ट है कि जो फिक्स है लाइक सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ये एक करंट अफेयर जीके का पार्ट है लेकिन एट द सेम टाइम ये फिक्स है चेंज नहीं होने वाला है सच अभी बहुत ही रेयर चेंज होता है बहुत टाइम लगता है चेंज होने में अगर होगा तो वो करंट अफेयर में अपडेट हो ही जाएगा राइट right? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए कि जो अपनी इंडिया के अंदर सबसे टॉप पर टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है माउंटेन हिल कौन सी है तो वो चीज स्टैटिक है ना बट तो जीके का पार्ट है चेंज नहीं होने वाला तो वो इस टाइप के फैक्ट्स लाइक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस टाइप के जो क्वेश्चन ये आपके स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं ये दोनों पार्ट आपको कवर करने होंगे बेसिकली राइट तो एक एक करके देखेंगे कि लाइक डायनेमिक वाला जो पार्ट है करंट अफेयर जो बेसिकली वाला जो पार्ट है उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है सो राइट पहले बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स वाले के सिलेबस की जो right? जो पार्ट पार्ट है है राइट अपना उसकी बात करते हैं बाय द वे इन पे आने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है ना आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन को लेके एनीथिंग कि आपको डर लग रहा है एग्जाम होगा कि नहीं होगा सर इतना कंपटीशन है राइट right? कैसे प्रिपेयर करना है बहुत ही कम सीट्स होती है कहीं ये भी होता है वैकेंसी इतनी कम है बैठते बहुत ज्यादा बच्चे हैं राइट फेज वन कईयों को फेज वन ईजी लगता है कहीं को फेज टू टफ लगता है वाईसी वर्षा कहींयो को फेज वन टफ लगता है फेज टू ईजी लगता है कहीं को इंटरप्रिटेशन तक से डर लगता है कई बार कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहे होंगे लेकिन तब भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कहीं ना कहीं स्टेज में फंस रहे होंगे कहीं जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट सोच के डर रहा होता है कैसा भी आपको है कैसी भी आपको फियर है एनी थिंग यू कैन फ्रीली आस्क अस आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल करें दे विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप राइट आपको खुला वो है आप फोन कीजिए यू कैन कनेक्ट आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड हमारे कोर्सेज से रिलेटेड एनीथिंग आप सपोर्ट नंबर पर कॉल करके वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं हमसे आप यू आर फील फ्री फील फ्री टू कनेक्ट टू अस इन एनी फॉर्म वॉट यू फील राइट किसी भी फॉर्म में हमसे कनेक्ट होना चाहे राइट लेजिबल होना चाहिए आपका डाउट राइट एग्जाम रिलेटेड होनी चाहिए आपकी क्वेरी बस इथ थिंग आप हमसे खुला डेफिनेटली आराम से किसी भी वे में कनेक्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं दिस इज वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू यू राइट ओके अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर तो करंट अफेयर्स के अंदर जो बात करें पहली आएगी आपकी ऑब्वियसली नेशनल न्यूज फर्स्ट इज नेशनल न्यूज जिसके अंदर आपके मोमेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओ यूज बहुत पूछे जाते हैं ये भी समिट्स जनरली एक ना क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है समिट्स को जो रिसेंट इंटरनेशनल समिट्स वगैरह होती रहती है राइट नेशनल के अंदर स्टेट्स की समिट्स होती रहती है डोमेस्टिक वाली वो भी इंपॉर्टेंट है राइट सेकेंड ओके okay. और कोई भी मेजर इवेंट होगा आपका राइट right? उसके बाद इंटरनेशनल जो हो रही हैं, इनसे डेफिनेटली आई कैन श्योर यू एक से दो क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाई द वे अगर किसी टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ये नंबर तो आपको मिस करने ही करने ही। ये वाले मार्क्स तो आपके मिस आउट होने ही नहीं चाहिए जब आपको पता हो शोर्ट शोर्ट के यहाँ से आएगा यू कैन नेवर मिस दैट राइट

राइट right? आर्मी अपनी वेबसाइट पर रिलीज करता रहता है नोटिफिकेशन वो सर्कुलर्स वगैरह वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े देन डिफेंस की रिलेटेड जो न्यूज है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस ड्रिल्स मेजर और दूसरे के जितने भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स होंगे पूछते हैं डेफिनेटली पूछा जाते हैं आपसे उसके बाद डेज इन न्यूज राइट right? मेजर इवेंट्स और डेज जो भी डेज चल रहे कोई रिसेंट कोई कोई डेज अनाउंस कर दिया लाइक वर्ल्ड योगा डे हेल्थ डे बहुत चीजें आती रहती है

ये तो आपके फेज टू के लिए भी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स तो इस पर तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं राइट देन बुक्स एंड ऑथर्स यस और नो सो वर करंट अफेयर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक पार्ट कि स्टैटिक पार्ट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सी चीफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन प्रेजेंटली चेंज प्रेजेंट टाइम एग्जाम देने से एक दिन पहले ना एटलीस्ट आपको इंश्योर करना है कि आप चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स उनके काउंसिलर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब देख के जाए नेशनल पार्क एंड सें वाइल्ड लाइफ कैन हेडक्वार्टोर यू एक क्वेश्चन यहां से पक्का ही पक्का ही है पीछे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी वेट वेट सी दिस वन बुक्स एंड ऑथर्स यहां से एक क्वेश्चन पक्का है रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स की यहां से तो आई कैन एश्योर यू फोर टू फाइव क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे राइट तो वेट

राइट सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो बट बिफोर दैट आई हैव वेरी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच टू शेयर विद यू विच इज आवर कंप्लीट कोर्स आरबीआई ग्रेवी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए अभी पीडीआई ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर आपका फेज वन फेज टू एवरीथिंग इज कवर्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है सब कुछ है यहां पर टेस्ट सीरीज आपके वीडियो कोर्सेज आपके पीडीएफ्स, राइट एवरीथिंग कुछ नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी आपको इसमें मेंटरशिप एक गाइडेंस मिलेगी सो so देट आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में रहे आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं जो, है है? जो आप टाइम डिवोट कर रहे हैं मेहनत कर रहे, कर रहे उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिले आप एक ऑफिसर के निकलो ये इंश्योर करना होता है, का जो मिलती है आपको एवरी थिंग दिस कोर्स इसका रजिस्ट्रेशन लिंक में प्रोवाइडेड है सपोर्ट नंबर है उस पर कॉल करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आप इसको उसको ज्वाइन कर सकते हैं इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी ट्वेंटी सो विद दिस आई विश यू गुड लक अंटिल अवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू